नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है निराली हिंदी पाठ्य पुस्तक क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 6 छोटा जादूगर। जी हाँ, जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्यारी सी कहानी है छोटा जादूगर, गढ़ी के लाल चैनल पर अपलोड हो चुका है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो फर्स्ट सेकेंड चैप्टर के बाद 6 चैप्टर आज अपलोड होने जा रहा है। 6 चैप्टर है छोटा जादूगर और लिखा किसके द्वारा गया है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा, जो कि हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार थे। और उनके द्वारा लिखी गई ये कहानी हमें बताती है एक ऐसा बच्चा जो अपना बचपन छोड़ के पारिवारिक जिम्मेदारियां निभा रहा है, क्योंकि उसकी माँ जो है वो बीमार है और उसकी सेवा में लगा हुआ है। वो बच्चा कैसे कैसे पेट पालता है वो हम आज इस कहानी में पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करें कहानी छोटा जादूगर। प्रस्तुत पाठ में जादू का खेल दिखाने वाले एक बालक की कहानी दी गई है। आइए कहानी को पढ़ने से पहले जादू और जादूगर के बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। तो यहाँ पर जादू के बारे में सारा कुछ बताया गया है कि भारतीय जादूगरों से सीखकर जो वेस्टर्न लोग हैं वो अपने देश में जादू को किस तरह चलाते हैं, और आज वो जादू जो है एक आधुनिक रूप ले चुका है और स्टेज शो में बदल चुका है, और बहुत सारे विश्व के प्रसिद्ध जादूगरों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। कार्निवल जो सार्वजनिक समारोह यहाँ पर होता है, ठीक है, सर्कस वगैरह जैसे लगती है। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था, हर तरफ लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, इसी का शोर सुनाई दे रहा था। मैं खड़ा था, लेखक बता रहे हैं कि मैं कहाँ खड़ा था, एक छोटे से फव्वारे के पास, जहां एक लड़का उन्होंने देखा और वो लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। अब उस लड़के के गले में क्या क्या था, उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर सूत की यानी कि धागे की एक मोटी सी रस्सी पड़ी थी, जेब में थे कुछ ताश के पत्ते, उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। दुख तो था ही लेकिन सेटिस्फेक्शन था, एक सॉरी धैर्य था, मतलब वो अपने आप में काफी संतुष्ट था। धैर्य मतलब पेशेंस। ओके, उसके मुंह पर एक तो गंभीर दुख था और साथ में पेशेंस भी थी। मैं उसकी ओर, लेखक पता नहीं क्यों अट्रैक्ट हो गए उस लड़के को देखकर, उसके अभाव में भी संपूर्णता थी, यानी कि वो लड़का अपने आप में पूरा था, बालक के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके जो चेहरा था, उसके जो हाव भाव थे, वो बहुत कुछ कह रहे थे। उसके पास कुछ भी नहीं था पर वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। मैंने पूछा, क्यों जी तुमने इसमें क्या देखा? अब लेखक जो है उस बच्चे से पूछ रहे हैं, कौन सा बच्चा है वो जो शरबत पीने वालों को देख रहा था, और उसके गले में क्या था, फटे कुर्ते के ऊपर एक धागे की रस्सी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते, ये आपको याद रखना है। आइए अगले पैराग्राफ में पढ़ते हैं। मैंने सब देखा है, अब बच्चा बता रहा है आगे, मैंने सब देखा है, यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, कभी मेला देखने गए होंगे आपको पता होगा, तीर से नंबर छेदते हैं, गन से करते हैं ना, मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। लैब लेखक को पसंद क्या आया, निशाना लगाना। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, निकम्मा यानी कि ये किसी काम का नहीं है, उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं दिखा सकता हूं, ऐसा बच्चे ने लेखक से कहा। उसने बड़े जोश के साथ कहा, उसकी वाणी में कहीं रुकावट नहीं थी, फुल स्टॉप कहीं नहीं था। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है, वहां तुम गए थे? नहीं, वहां मैं नहीं जा सका क्योंकि वहां टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं वहां पर तुमको लिवा चलूं, यानी कि मैं ले चलता हूं। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मेरे मित्र रहे। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। अब बच्चा बता रहा, निशाना लगाते हैं। मैंने उससे सहमत होकर कहा, चलो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने हां के बहाने सिर हिला दिया। अब मनुष्यों की जहां बहुत सारी गैदरिंग हो रही है, वहां अब गैदरिंग होने के कारण सर्दियों की शाम भी गर्म हो रही थी, लोग बहुत इकट्ठे थे वहां पर, थी तो ठंड लेकिन लोग ज्यादा इकट्ठे थे इसलिए गर्मी हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में मैंने उससे पूछा, रस्ते में लेखक ने उससे पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? अब लड़के ने बताया, माँ और बाबू जी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? लेखक ने ऐसा लड़के से पूछा। तो लड़का बोला, बाबू जी जेल में है। तो लेखक ने पूछा, क्यों? लड़का बोला, देश के लिए, वह गर्व से बोला, प्राउड के साथ। और तुम्हारी माँ? लेखक ने उस बच्चे से पूछा, तो बच्चा बोला, वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की
हंसी फूट पड़ी, यानी कि ऐसा लगा कि किसी ने इंसल्ट कर दिया उसकी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूं, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा, यानी कि लाइट डाइट जो ज्यादातर किसको पेशेंट को दी जाती है। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे ज्यादा तसल्ली होती। अब लेखक से उस लड़के ने ऐसा बोला, वो लड़का एक छोटा जादूगर था। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा, मतलब 13-14 साल का बच्चा ऐसी ऐसी बातें करता आत्मविश्वास वाली। हाँ मैं सच कहता हूं बाबूजी, माँ जी बीमार हैं इसलिए मैं नहीं गया। अब छोटे जादूगर का अपनी माँ के प्रति लगाव था। कहाँ, जेल में जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा करूं, अपना पेट भरूं। मतलब खेल तमाशा दिखा के अगर कुछ पैसे आते हैं और उसे अपनी माँ की सेवा करने का मौका अगर मिलता है तो मैं क्यों ना करूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया, यानी कि मैंने लंबी सांस ली। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे, बिजली की लाइटिंग। मन व्यग्र हो उठा। अब मन जो था वो थोड़ा सा बेचैन हुआ। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। अगर कोई आपसे व्यग्र का ओपोजिट पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? व्यग्र का ओपोजिट क्या होता है? क्योंकि व्यग्र का मीनिंग होता है जो धैर्य नहीं रखता, अधीर। तो अधीर का विलोम हो गया धीर। ओके, याद रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे वर्ड सामने आ रहे हैं तो मैं आपको बताती जाऊं। अब लेखक ने उस लड़के से कहा, अच्छा चलो निशाना लगाते हैं। हम दोनों उस जगह पे पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। आपने भी कभी ऐसा खेल खेला होगा। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दिए। अब लेखक बता रहे हैं, वैन निकला पक्का निशानेबाज, उसकी गेंद कोई खाली नहीं गई। देखने वाले भी बड़े हैरान रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया लेकिन उठाता कैसे? अब 12 खिलौने तो उसने अपने पास पकड़ लिए लेकिन उठाए कैसे, छोटा सा बच्चा है वो। कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए गए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए मैं चलता हूं। वह 9:00-11:00 हो गया। अब वहां से भाग गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंखें बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात, यानी कि अचानक, किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूं छोटा जादूगर। तो अब पहले दृश्य में आपने देख लिया, बच्चा लेखक के साथ लगा हुआ था और लास्ट में कहां मिला, झूले के ऊपर। दूसरा दृश्य देखते हैं इस पाठ का। कोलकाता के सुंदर बोटानिकल उद्यान में लाल कमलों से, कमलनी होता छोटे छोटे कमल के फूल, लाल कमलनी से भरी हुई छोटी सी एक झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। अब लेखक बता रहे हैं कि बोटानिकल जो उद्यान है कोलकाता के सुंदर बोटानिकल पार्क में, गार्डन में छोटे छोटे कमलों से भरी एक छोटी सी झील होगी वहां पर, जिसके किनारे पर घने वृक्षों की छाया में लेखक अपने फ्रेंड्स के साथ खाना पीना खा रहे थे। इतने में वही बातें हो रही थी, इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा, हाथ में चार खाने की खादी का झूला, यानी कि एक प्रकार का कपड़ा होता है चकोर जिसमें खाने बने होते हैं, साफ झांगिया यानी कि अंडरवियर टाइप उसने पहना हुआ था, आधी बाहों का कुर्ता था, सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ, मस्ती भरी चाल में झूम रहा था वो। आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको अब लेखक चुप हो गए। मैं क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती जी की बोली में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया, यानी कि छोटे जादूगर ने खेल शुरू कर दिया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। अब छोटा जादूगर वो जो 12 खिलौने उसने, सॉरी वहां पर 12 टिकटों से जो उसने वो खिलौने जीते थे ना, वो सारे खिलौने जो थे वो उसके हाथ में थे। अब उनसे वो तमाशा दिखा रहा था। सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर गुड़कने लगा, यानी कि धमकी के स्वर में जैसे डांटते हैं तो बंदर वैसे गुड़कने लगा। गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड़िया का वरकाना निकला एकांत से। अब लड़के की बातों से ही खेल हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपट हो गए। वो जिस तरह भी दिखा रहा था, जिस तरह नाटक कर रहा था उनके सामने, भालू को उसने दिखा दिया कैसा, जैसे भालू किसी को
रूठे हुए को मना रहा है, बिल्ली जैसे रूठी हुई है, बंदर जैसे जो है, मतलब एक स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन की तरह वो जो था बच्चा अभिनय कर रहा था, नाटक कर रहा था। मैं सोच रहा था बालों को जरूरतों ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया, यही तो संसार है। यानी कि कुछ आर्थिक आवश्यकताएं ऐसी होती हैं इंसान की जो मनुष्य को समय से पहले ही समझदार बना देती हैं। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, उसने जादू दिखाया, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई जो उसके गले में होती है। लट्टू अपने आप से नाच रहे थे। मैंने कहा अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे एक रुपया दिया, मैं उछल उठा। मैंने कहा लड़के छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है, यानी कि जीवन जीने का साधन जो है वो यही मेरा जादू है, इसलिए आप मुझे छोटा जादूगर कहो। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे। अब लड़के ने जवाब देखो क्या दिया, पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, अब उसने ये कहा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया, गुस्सा लेखको, मैं अपने पर क्रुद्ध होकर सोचने लगा ओ कितना स्वार्थी हूं मैं, कितना मतलबी हूं मैं। उसके एक रुपए पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था, मतलब मेरे को जेलसी हो रही थी, इसलिए मैंने इसका स्टॉप करवा दिया खेल। काफी वर्ष पूर्व, बहुत साल पहले जब ये कहानी लिखी गई थी उस समय रुपए की कीमत आज के 150-200 रुपए के बराबर अवश्य रही होगी। वो नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी थी, मतलब शाम जो थी वो होने लगी थी अब, और डूबते हुए सूर्य की, तो उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या जो है साए साए करने लगी थी, यानी कि जैसे सन्नाटे में हवा की गति से पैदा होने वाली एक आवाज आती है। डूबते हुए सूर्य की अंतिम किरण पेड़ों की पत्तियों से विदाई ले रही थी, यानी कि सूर्य डूब रहा था, अब पेड़ों की पत्तियों पर जो लास्ट किरण पड़ रही थी वो भी अब विदा हो रही थी। चारों ओर सुनसान था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो जाता था मुझे, लेखक को बार बार ना वो छोटे जादूगर की याद आ जाती थी। सचमुच वह एक झोंपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया, उस झोंपड़ी में देखा तो एक स्त्री चित्थड़ों से लदी हुई कांप रही थी, मतलब कपड़े भी नहीं थे। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। अब लेखक को यहाँ पर थोड़ा सा उस बच्चे के साथ हमदर्दी होना शुरू हुआ। अब देखते हैं तीसरे दृश्य में। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी, मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ता से मन ऊब गया था, फिर भी चलते चलते एक बार उसको देखने की इच्छा हुई। किसे? उस लड़के को। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा, जल्द लौट आना था। अब बड़े दिनों की छुट्टी हुई, ऑफिस में समय से पहुंचना था। अब कलकत्ता से भी मन जो था वो लेखक का आउट हो गया था, ऊब गया था। अब चलते चलते एक बार उसको देखने की इच्छा हुई। अब लेखक को ऐसा लग रहा वो जादूगर जो है एक बार मिल जाए। 10 बज चुके थे, मैंने देखा वो साफ धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था, यानी कि जहां पर वो स्टेज पर नाटक दिखाता है। मोटर रोक उतर पड़ा, वहां बिल्ली रूठ रही थी, वही खेल अपना चला रहा था वो, जैसे स्टोरी टेलिंग के कारण उसने उस दिन दिखाया था। बिल्ली रूठी हुई थी, बालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। ये सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता की तरी नहीं थी, आज वो खुशी नहीं थी बच्चे के। अब ऐसा क्यों हुआ? जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, प्रयास कर रहा था, तब स्वयं कांप जाता था, घबरा जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देखा, मैं हैरानी से देख रहा था, आए वो बच्चा वैसा है ही नहीं। खेल समाप्त हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा, वह जैसे क्षण भर के लिए सफूर्तिमान हो गया, उत्साह से भर गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है, अविचल भाव से उसने कहा। अब मोशनलेस होके उसने ऐसे बोला कि माँ कह रही थी आज जल्दी आ जाना, क्योंकि मेरा जो समय है वो करीब आ रहा है। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के हिसाब से वह तुलना करता है। अब यहां पर बच्चे ने किस प्रकार बताया कि लेखक के अनुसार संसार जो है वो एक जादू के खेल के समान है। उनके अनुसार मनुष्य के सुख दुख का अगर माप है वो उनका अपना ही साधन होता है। कभी कभी बाहर से जो दिखाई देता है उसके भीतर इसकी विपरीत होता है। मन में कुछ और चल रहा होता है लेकिन बाहर हमें कुछ और दिखाना होता है दुनिया को। उसने कहा ना क्यों आता?
और कुछ अधिक कहने में जैसे वो अपमान का अनुभव कर रहा था, जैसे उसको लग रहा है इंसल्ट हो रही है। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन मिली लेकर की वो उसी रास्ते पे चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोंपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोंपड़े में मामा पुकारते हुए गुस्सा मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से ये निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ कमजोर हाथ उठकर गिर पड़े। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं भौचक्का खड़ा था। उस साफ धूप में सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा था। यानी कि ये सारे संघर्ष वो बालक अपनी माँ के लिए कर रहा था। तो लेखक को संसार की वास्तविकता जो थी वो साफ नजर आने लगी। तो ये था हमारा छोटा सा पाठ, छोटा जादूगर। आई होप ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। और इस पाठ की एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अपनी पूरी क्लास के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे इसे देख सकें। लड़के की जेब में क्या था? तो लड़के की जेब में ताश के पत्ते थे। लड़के के घर में कौन बीमार था? माँ। लड़के ने अपना नाम क्या बताया था? छोटा जादूगर। जादूगर के बाबूजी कहाँ थे? जेल में। लड़के के माता पिता कहाँ और किस हाल में थे? तो लड़के के पिता जेल में थे और माँ जो थी वो घर में बीमार थी। वो लड़का खेल तमाशा क्यों दिखाता था? अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। लड़के के नमस्कार करके चले जाने के बाद लेखक और उनका परिवार कहाँ चले गए थे? लता कुंज देखने। लेखक ने लड़के को कितने टिकट खरीद कर दिए? 12। क्यों दिए थे? निशाना लगा ले। ठीक है। लघु उत्तरीय, उसके अभाव में ही संपूर्णता थी, आशय स्पष्ट करना। हाँ, मतलब उसका हाव भाव भी कुछ सब कुछ कह रहे थे। चाहे उसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी उसके जो चेहरा था वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। श्रीमती जी द्वारा दिए गए रुपए को खर्च करने के बारे में बालक ने क्या बताया? उसने क्या कहा था कि मैं पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा फिर एक सूती कंबल लूंगा। वह लड़का खुद को किस नाम से संबोधित करवाना पसंद करता था? छोटा जादूगर, क्योंकि यही उसकी जीविका थी। छोटे जादूगर ने अपने खेल में क्या दिखलाया था? छोटे जादूगर ने बहुत सारे खेल दिखाए। अभी ने बालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदा घुड़कने लगा, गुड़िया का विवाह हुआ, ये सब खेल लेखक ने देखे थे छोटे जादूगर से। दीर्घ उत्तरीय से पहले पाठ के आधार पर रिक्त स्थान पूरे कर लेते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। इस तरह सारे आपको फीलिंग इन द ब्लैंक हमने भर के दे दिए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। लेखक के अनुसार संसार क्या है? तो लेखक के अनुसार संसार एक जादू के खेल के समान है। उनके अनुसार मनुष्य के सुख दुख का माप का साधन जादू, यानी कि वही होता है। इसका तो जादू था जो भी उसकी जीविका होती है। कभी कभी बाहर से जो दिखाई देता उसके भीतर उसके विपरीत ही होता है। श्रीमती जी द्वारा दिए गए रुपए को खर्च करने के बारे में बालक ने क्या बताया था? कि लड़के की माँ बीमार है, जो उसको लाइलाज समझकर अस्पताल वालों ने अस्पताल से निकाल दिया था। अपनी माँ को देखते लड़का भावों से भर जाता है। माँ के शरीर से चिपटते हुए बड़े प्यार से बोलता है माँ। तो लेखक ऐसी दृश्य को देखकर अपने आंसू जो थे वो रोक नहीं पाए थे। ठीक है। नेक्स्ट, उस दिन लड़के का खेल जमा क्यों नहीं? क्योंकि वो मन में प्रसन्नता नहीं थी, चंचलता नहीं थी, क्योंकि माँ ने उस दिन क्या कह दिया, मेरी घड़ी समीप है। तो वही चीज जो थी उसके माइंड में चल रही थी। उस साफ धूप में सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों नाच रहा था। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? बालक का माँ के प्रति लगाव देखकर, उसके अनाथ होने का भय देखकर। तो लेखक को संसार की वास्तविकता नजर आने लगी। निम्नलिखित वाक्य पढ़कर सही और गलत लिखना है। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। तो आपने पहली लाइन इस पाठ की जब पढ़ी थी तो कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, सही है। जादूगर के मुंह पर गंभीर विषाद के साथ हरे की रेखा थी, यस। जादूगर पक्का निशानेबाज नहीं था, गलत। लेखक की पत्नी ने जादू का खेल दिखाने को कहा, यस। लेखक की पत्नी ने उसे 10 रुपए दिए, गलत, 1 रुपया दिया था। जादू का खेल दिखाने वाला कौन होता है बेटा? जादूगर। कहानी कविता लिखने वाला लेखक, कवि भी होता है। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, जिसमें बल हो सबल। उच्च कुल से संबंध रखने वाला कुलीन, जीने की प्रबल इच्छा जिजिफशा। ओके। पीठ थपथपाना शाबाशी देना, आंख मूंदना मृत्यु होना, इधर उधर की हांकना बहुत गप्पे मारना। श्रुति संभिनार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनानी है। तो एक हंस का अर्थ होता है हंसना, हंस। एक हंस होता है विशेष जल पक्षी, एक हंस होता है क्रिया। ठीक है।
कल, एक आने वाला कल और एक काल समय। लौट, एक लौट होता है वापस आना, एक लोट होता है लोटने का भाव, गदा रेत में लोट रहा था। बात वचन और एक बात हवा वायु, ठीक है। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना था तो वो शुद्ध करके भी आपको सामने वर्ड्स लिखकर दे दिए हैं। आगे बढ़ते हैं अपठित बोध पर। जो निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। बूंद कहां से निकली? बूंद बादलों की गोद से निकली। बूंद क्या सोचने लगी? उसे अपना घर छोड़ने का पछतावा हो रहा था, वो अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी कि आगे जाकर उसका क्या होगा। बूंद को कहां गिरकर जलने का डर था? आग पर गिरकर। कमल के पर्यायवाची पंकज और नीरज। क्रिएटिव टाइम आप अपनी टीचर के साथ स्पेंड कीजिएगा क्लासरूम में। इस वीडियो से जो भी हेल्प हुई हो आपकी, उस हेल्प को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश भी कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगला चैप्टर इस चैनल पर आपको कौन सा चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय एवरीवन।